एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का सबसे बड़ा और सबसे ऑथेंटिक सर्वे आपके सामने हम रखने जा रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 3 चरणों में चुनाव होना है। कोरोना काल का पहला सबसे बड़ा ये चुनाव है, इतना बड़ा विधानसभा चुनाव हो रहा है, 243 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। और हमारे साथ सी वोटर्स के फाउंडर डायरेक्टर यशवंत देशमुख साहब जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे और जानेंगे कि इस बार जो पहली झलक मिल रही है इस ओपिनियन पोल के जरिए वो क्या है। यशवंत देशमुख साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बार जो ओपिनियन पोल हुआ है उनमें किन मुद्दों पर लोगों ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, किन मुद्दों को उन्होंने सबसे ज्यादा अपने ऊपर हावी पाया है। देखिए विकास, जैसा कि आपने अभी बताया कि मुद्दे हमारे लगातार ट्रैकर में तो कवर होते रहते हैं और एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो ट्रैकर है, ये दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि एक बार का ओपिनियन पोल नहीं है। दरअसल हमारा साल भर रोज हमारा पूरे भारत में सर्वे चलता है, तो उसी में बिहार के भी हमारे पास में आंकड़े साल भर आते रहते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 3-4 महीनों में खासतौर पर हमने देखा है कि एकदम से बेरोजगारी का मुद्दा ये नीचे से बढ़कर काफी हद तक ऊपर तक गया है। और ये थोड़ा सा अपने आप में अचंभे वाली बात तो नहीं है, लेकिन जिस तेजी से वो ऊपर बढ़ा है और पिछले कुछ महीनों से, पिछले 6 महीने से कोरोना ये सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो दरअसल बिहार में कोरोना से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा इसमें बेरोजगारी का हो गया। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इस लगातार चलती हुई नीतीश कुमार की सरकार में, देखिए 15 साल से लगातार वो सत्ता में है, भले ही वो बीच में आरजेडी के साथ आ गए हो, लेकिन चेहरा वहां पर एक ही कॉमन रहा, वो नीतीश कुमार। क्या लोग नीतीश कुमार को सीएम फिर से देखना चाहते हैं? ये बड़ा विकट सवाल आपने पूछा, क्योंकि हमारे सर्वे में जो बिहार का आ रहा है उसमें ये तो बहुत साफ दिख रहा है कि एनडीए की सरकार दोबारा शायद बनने जा रही है और अच्छे खासे मार्जिन से बनने जा रही है। लेकिन इस समय जो हमारा सर्वे के जो आंकड़े हैं, मैं आपको सच बोलूंगा कि 25 साल के अपने प्रोफेशनल जीवन में इस तरीके के विचित्र विरोधाभासी आंकड़ों को हमने कभी देखा है, बहुत कम देखा है। विरोधाभासी मैं इसलिए कहता हूं कि जब लोगों से हमने पूछा कि आप इस बीजेपी जेडीयू सरकार को आप कैसा आंकते हैं, तो अच्छा कहने वाले मुश्किल से 25% थे, औसत कहने वाले 25% थे और 50% लोगों ने बुरा कहा। इसके अच्छा। बाद में हमने जब लोगों से ये पूछा कि क्या आप ये सरकार बदलना चाहते हैं, क्या इससे आप नाराज हैं, तो 57% लोगों ने कहा कि हाँ वो इस सरकार से नाराज हैं, इस सरकार को बदलना चाहते हैं। 30% लोगों ने कहा कि हम नाराज हैं लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। केवल 14% के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हम खुश हैं इस सरकार से। तो आप फिर ये विरोधाभास कैसे उभरा या यशवंत जी, अगर लोग ये सरकार से खुश नहीं है, ज्यादातर लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, फिर क्या विकल्प की कमी की वजह से ही लोग वापस नीतीश कुमार को चुनना चाहते हैं? मेरे ख्याल से यही एक एकमात्र उसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि विकास जब हमने इस चीज को समझने के लिए हम अपने ट्रैकर में हम ये भी पूछते हैं कि आप अगर आप मुख्यमंत्री से कितना संतुष्ट हैं और अपोजिशन से कितना संतुष्ट हैं, जो अपोजिशन के नेता हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, तो अगर मुख्यमंत्री से 45% लोग कह रहे हैं कि हम इनसे संतुष्ट नहीं है, तो अपोजिशन लीडर से असंतुष्ट होने का आंकड़ा 65% है। तो इतना जरूर समझ में आता है कि टीना फैक्टर, विकल्प की कमी और लालू यादव जी का जेल में होना, सीधे सीधे बाहर नहीं होना, मुझे लगता है कि ये आरजेडी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि अभी हालांकि तेजस्वी यादव बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वो स्पार्क वो उस तरीके से पकड़ नहीं पाए हैं। और अलायंस का सबसे बड़ा मसला है वो बहुत, अब बिहार की अंकगणित और बिहार का बीजगणित ये दो अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो बिहार की बीजगणित तो ये कहती है कि लोग नाराज हैं, लोग इस सरकार को दोबारा नहीं चुनना चाहते, इस सरकार को हटाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की अंकगणित ये कहती है कि केवल और केवल जेडीयू और बीजेपी के साथ में आ जाने से और पासवान जी के उनके साथ में होने से ये वोट बैंक 45% का बनता है, और 45% के वोट बैंक के आगे आरजेडी और कांग्रेस और आरएसपी इन सब का मिलाकर के जो 30% का वोट बैंक है ये दरअसल 15% कम पड़ता है उससे।
बात करें तो ये जो मुद्दे थे, आपने कहा गुस्सा है लोगों में, बेरोजगारी, कोरोना का मिसमैनेजमेंट, उसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने जमीन पर आपको जिसकी धमक और खनक सुनाई दी? क्या जो पिछले चुनाव में मुद्दा बनाया था नीतीश कुमार ने, शराब बंदी, उसका आपको कैसा असर जमीन पर दिखाई दिया? नकारात्मक था, सकारात्मक था? अगर आप इसको दूसरे तरीके समझना चाहें तो हमने शराब बंदी नाम से तो कुछ भी सीधा नहीं पूछा, लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा कि दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी के बाद में अगर कोई लोगों ने बोला तो बहुत आश्चर्य होगा कि वो है करप्शन का मुद्दा। आश्चर्य मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार या सुशासन बाबू या जो उनका एंटी करप्शन प्लैंक रहा है कि उनके ऊपर किसी तरीके का धब्बा नहीं लगा है किसी करप्शन का, उसके बावजूद करीब करीब 20% लोग करप्शन को मुद्दा मान के बैठे। बिहार में बाढ़ का मुद्दा हमेशा बोला जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हमेशा बोला जाता है, लेकिन समहाउ ये उतने बड़े मुद्दे लोगों के बीच में इलेक्टोरल मुद्दे नहीं बन पाए। या तो लोगों को बाढ़ की आपदा प्रबंधन हर साल कुछ बेहतर हो रही है तो लोग अपनी जिंदगी में पिछले साल से कुछ बेहतर मानते हैं, या तो लोग माफिया के ऊपर के संकट को देखते हैं कि नहीं ये 15 साल पहले बहुत बुरा हाल था, जंगल राज था, आज मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि दिल्ली में जैसे बहुत सारे अखबारों में बिहार की बाढ़ के ऊपर बहुत बड़ी बात छपती है, और बिहार बाढ़ बड़ा बड़ा संकट भी है, लेकिन बिहार में बाढ़ अपने आप में उसको लेकर के कोई चुनावी मुद्दा ऐसा बन पा रहा है ऐसा नहीं लगता। अगर मैं लीडर्स के नाम लूं और अगर उनको ग्रेडिएट इस सर्वे ओपिनियन पोल के बेसिस पर अगर आप ग्रेड दे पाएं, कौन सा लीडर सबसे ज्यादा वहां पर चर्चित है या सबसे ज्यादा पसंदीदा बना हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान, पप्पू यादव, इन अगर नेताओं की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता? राज्य के जितने नेता हैं उन राज्य के नेताओं में सबसे ज्यादा पसंदीदा नीतीश कुमार अभी भी है। इतने नाराजगी इसके बावजूद भी करीब करीब 30% लोग ये मानते हैं कि वो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के व्यक्तिगत कामकाज के ऊपर जब आप पूछते हैं कि क्या आप मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि मुश्किल से 27-28% लोग ही हैं जो बोलते हैं कि वो उनसे खुश हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से जब आप उस पर सवाल पूछते हैं कि कितना आपकी खुशी है, तो करीब करीब 50% लोग बोलते हैं कि उनसे बहुत खुश है। तो बड़ा उछाल जो नीतीश कुमार की छवि में जो गिरावट की वजह से आया, उसको एक बड़ा उछाल प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से मिल जाता है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता डैमेज कंट्रोल कर रही है एनडीए के नंबर्स को, अदरवाइज मामला बहुत बुरा हो जाता है एनडीए के साथ में इस समय वहां पर। और ये यशवंत, एक और सवाल जानना चाहूंगा आपसे। पिछली बार जब नीतीश कुमार जीत कर आए तो ये कहा गया कि शराबबंदी की वजह से महिलाओं ने उनको घर से निकलकर बहुत ज्यादा वोट दिया और महिलाओं की वजह से नीतीश कुमार वापस सत्ता में एक बार फिर से आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यही कहा जाता है कि वे महिलाओं के वोट बैंक पर उनका एक छत्र राज है, महिलाएं उनको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इस बार महिला वोटर्स के मन में झांकने पर आपने क्या पाया? महिला वोटर्स का पूरा झुकाव अभी भी एनडीए की तरफ है, और उसका कारण नीतीश जी की छवि का तो है ही है। प्रधानमंत्री, मेरा भी मानना है कि इस समय बिहार में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई नेता है, अगर आप लीडर की बात करें, मास लीडर की बात करें, तो वो दरअसल कोई बिहारी नेता नहीं है, वो नरेंद्र मोदी। ये इसको कहने में मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे उनके नाम के आगे लोग ओके कर देते हैं जाके, उस तरीके की मुझे लगता है कि उस तरीके का चमत्कारिक फॉलोइंग शायद लालू जी की रही अपने जमाने में, मतलब जिस समय उनकी पॉपुलैरिटी पीक पे रही होगी मास लीडर के नाते। लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि जो लोकल लीडर्स हैं वो उतने मायने नहीं रह गए हैं। जी यशवंत जी, एक बड़ी बात जो बिहार के बारे में हमेशा कही जाती है, बिहार के भीतर भी और बाहर, वो है जातिवाद। जातिवाद वहां पर लोगों के कहते हैं कि रोम रोम में समाया हुआ है, लेकिन जब इस बार आपने पोल के लिए आप जमीन पर गए,
तब आपने क्या पाया, क्या जातिवाद का जो डंक है वो पिछले कुछ सालों की तुलना में कम हुआ है, या वो अभी भी जमीन पर उसी तरह प्रवेल कर रहा है? कहीं से भी डिग्री मुझे लगता नहीं कि जातिवाद में कोई सीधी उस तरीके से कमी आई। अभी भी आरजेडी के पास में यादव मतदाता और मुस्लिम मतदाताओं का जो इक्वेशन है वो रॉक सॉलिड है, बिल्कुल रॉक सॉलिड है उनका, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन नॉन यादव ओबीसी ये पूरे एक तरह से जैसे मानो काउंटर पोलराइज होकर के बीजेपी के खाते में गए। अगर आप इंडिविजुअल वोट शेयर की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े तो मुख्य मुकाबला हो सकता है कि बीजेपी और आरजेडी के बीच में हो जाए और 30% के आसपास बीजेपी का ब्लॉक बने और 25 के आसपास आरजेडी का ब्लॉक बने। जी यशवंत जी, एक छोटा सा आंकड़ा दर्शकों के लिए रख देते हैं, क्योंकि बड़ी देर से अभी वो मुद्दों पर हम उनको मुद्दे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम पूर्वी बिहार का आंकड़ा रख देते हैं जो ओपिनियन पोल में उभर कर सामने आया है। एनडीए की जो स्थिति दिख रही है वो पूर्वी बिहार में 14-18 दिख रही है, जबकि यूपीए की स्थिति 7-11 सीटों की दिख रही है। ये इसके अलावा यहाँ पर जो अदर्स हैं वो 1-3 सीटों पर काबिज हैं। आपसे समझना चाहूंगा, ये जो पूर्वी बिहार है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं और पिछली बार की तुलना में यहाँ पर बीजेपी को ही बढ़त बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, आप अगर रीजन वाइज जाएंगे तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी कि रीजन वाइज उस फ्रिक्वेंसी में भी जो अलग अलग रीजन्स हैं उसमें ट्रेंड्स में मोर और लेस ट्रेंड्स वैसे ही है, जबकि बिहार में रीजनल ट्रेंड्स ऊपर नीचे काफी तगड़े होते रहे हैं। तो अभी मैं ये देख रहा हूं कि 45-50% की रेंज में ये तकरीबन सभी रीजन्स में एनडीए का वोट शेयर घूम रहा है। सबसे कम अगर मैं देखूं कि कहीं पर अगर जहां पे एनडीए का वोट शेयर है वो मगध भोजपुर में, उसी तरीके से अगर आप यूपीए का वोट शेयर देखें लालू जी की पार्टी का और कांग्रेस के गठबंधन का, ये 30-35 के बीच में ये मोर और लेस उनका वोट शेयर घूमता है। सबसे कमजोर इलाका उनका सीमांचल हो रखा है इस समय। अब माइनॉरिटी मेजोरिटी वाले पोलराइजेशन का मसला आएगा, उन जगहों को अगर आप देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा आश्चर्य ये होगा कि वहां पे स्ट्राइक रेट शायद बीजेपी का ज्यादा बेहतर हो। चलिए, स्ट्राइक रेट की बात की आपने, अब दूसरे इलाके की बात कर लेते हैं। मगध भोजपुर ये वो इलाका है जहां पर बीजेपी लगभग सबसे बड़ी पार्टी तो है ही और पूरे बिहार में भी दूसरे नंबर पर इस इलाके में सबसे बड़ी बढ़त लेकर आगे बढ़ रही है। यहां पर बीजेपी एनडीए कहा जाए, एनडीए 39-43 सीटों पर आगे है, जबकि यूपीए 20-24 सीटों पर आगे है। इसी मगधपुर भोजपुर इलाके में, मगध भोजपुर के इलाके में 5-7 सीटों पर अन्य काबिज हैं। यहाँ पर जो बढ़त है एनडीए की वो जबरदस्त बढ़त है और पूरे बिहार में बात करें तो ये दूसरा रीजन है जहां पर बीजेपी को इतनी, एनडीए को इतनी बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बढ़त इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि जो वोटों का अंक गणित है वो बड़ा एक तरफा सा आपको दिखाई देगा। बढ़त आपको इसलिए दिखाई देगी कि पिछले चुनाव में यहाँ पर जो है वो यूपीए एनडीए के बीच में 5% का करीब गैप था, यूपीए की लीड थी, जनता दल यूनाइटेड यूपीए के साथ में था, लेकिन जनता दल के स्विच ओवर इधर होने के साथ में जैसे लगता है कि 10% का ब्लॉक लेकर के जेडीयू पूरा का पूरा एनडीए में आ गया और ये 35-45 हो गए और वो लोग 45-45 हो गए। तो ये जो ब्लॉक का मूवमेंट है, इस मूवमेंट के उससे जो है सारा खेल पड़ जा रहा है। यशवंत जी, सीमांचल की बात कर लेते हैं। सीमांचल का जो इस बार का जो बढ़त है वो अभी भी बीजेपी की दिखाई, एनडीए की दिखाई दे रही है। 14-18 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि 4-8 सीटों पर आरजेडी आगे है। और ये इलाका हमेशा से गढ़ रहा है यूपीए का, आरजेडी का, यहाँ पर भी पिछड़ गए। देखिए, वहां पर एक अलग ही किस्म का पोलराइजेशन भी है और मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी है। आप ये ध्यान रखिए, सीमांचल यानी हम बात कर रहे हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इस पूरे बेल्ट में जो बाकी छोटे प्लेयर हैं, जिस समय ऊहापोह की स्थिति होती है उस समय बाकी छोटे प्लेयर कई बार जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते चले जाते हैं। मुझे लग रहा है कुछ वोटों का बंटवारा भी आ रहा है, क्योंकि हमारे आंकड़ों में करीब करीब 25% अदर्स की कैटेगरी में वोट आ रहे हैं। और अगर अदर्स का मतलब है आपका अफौद्दीन ओवैसी से है, जो कि सबसे ज्यादा जोर भी इसी सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में लगा रहे हैं। बिल्कुल, उनका 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 जोर है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट्स हैं, आप ये मत भूलिए, वो इलाका है जहाँ पे
कुछ और लोकल बड़े नेता भी उनका भी जोड़ है, और अभी तक ये आसार नहीं दिख रहे हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर अलायंस में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिथिलांचल की बात कर लेते हैं यशवंत जी, यहाँ पर 27 से 31 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है, जबकि यूपीए को 16 से 20 सीटें और अदर्स को 2 से 4 सीटें मिल रही हैं। इस इलाके में भी जबरदस्त मिथिलांचल तो खैर पुराना गढ़ रहा है अभी एनडीए का। बिल्कुल, ये तो पुराना देखिए गढ़ रहा है, मधुबनी हुआ, मधेपुरा एक चूंकि वो पुराना यादव कॉम्बिनेशन उन जगह का रहा, लेकिन मधेपुरा कोई फिर गढ़ जैसा नहीं रह गया था, वहां पे बहुत सीट पहले भी लग गई थी, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, इसमें बहुत बड़ी तादाद में सीटें ऐसी हैं जो काफी हद तक आप कह सकते हैं कि एनडीए का गढ़ बन चुका था। पिछली बार ये सीटें जरूर हिली, काफी लंबे अंतर से हिल गई थी, क्योंकि जेडीयू जो छोड़ के चला गया था मिथिलांचल में, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था, मतलब तकरीबन 47% वोट यूपीए के थे पिछली बार, और एनडीए के खाते में मतलब बीजेपी के खाते मुश्किल से 30% बचे थे। और अब बात कर लेते हैं उत्तर बिहार की, जिसका सभी को इंतजार है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से बीजेपी एनडीए ने पिछली बार से मतलब है मेरा कि 2015 से पहले से, क्योंकि 15 में तो अलग अलग लड़े, लेकिन यहाँ पर एनडीए को जबरदस्त बढ़त मिलती रही है, बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलती रही है, 47 से 51 सीटों की बढ़त है यहाँ पर एनडीए को, जबकि आरजेडी यूपीए को यहाँ पर 17 से 21 सीटें दिख रही, जबकि अन्य को भी यहाँ से 4 से 6 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जो कुल सीटें हैं उसका 25 से 30% केवल इसी इलाके से आ रहा है एनडीए को। बिल्कुल, और क्योंकि सबसे बड़ा इलाका भी है, देखिए 73 सीटें विधानसभा की आती है इस इलाके से, यू नो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। जब आप इन इलाकों में, हम इन सवालों को देखते हैं कि क्या आप इस सरकार से खुश हैं, नहीं है खुश, लोग नाराज हैं, लोग भरे पूरे नाराज हैं, लोग काफी बेकार हैं। तो उत्तरी बिहार में भी ऐसा नहीं कि लोग बड़े खुश हैं, लोग नाराज हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हम नाराज जरूर हैं लेकिन हम सरकार नहीं बदलना चाहते। अब ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जिसमें आप वही अंक गणित और बीज गणित का जो जो मसला है, वो मामला यहाँ पर हो जाता है कि लोग अभी भी अंक गणित के साथ में जम के चिपके हुए हैं, क्योंकि बीज गणित में कोई टेंजेंट ऐसा आ ही नहीं रहा है जो उनको इतना उकसाए कि हम यहाँ से हिल करके अब हम कुछ और करें। जी, मुझे लगता है यशवंत जी अब वक्त आ गया है कि हमें अब पूरा खुलासा कर देना चाहिए, जो सी वोटर और एबीपी का सर्वे है, उस सर्वे की आखिरी अंक तालिका क्या कहती है, ये हमें बता देना चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो एनडीए की सीधे सीधे सरकार बनती दिखाई दे रही है, एनडीए की कुल सीटें 141 से 161 सीटें यहाँ पर आती दिखाई दे रही है, जो कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2/3 मेजोरिटी की ओर इशारा है, सीधे सीधे 2/3 बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर यूपीए की बात करें तो कुल 64 से 84 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही है मिलती हुई यूपीए को, और यूपीए में जो है यूपीए भी पिछली बार से 2015 को छोड़ दे तो उससे पिछली बार से प्रदर्शन यहाँ पर भी सुधर रहा है। जो अन्य दल है वो भी 13 से 23 सीटों पर काबिज होते नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि लहर सी चल रही है जमीन पर एनडीए की, नीतीश कुमार की, या यूं कहें नीतीश मोदी की जुगल जोड़ी की लहर चल रही है जमीन पर। मेरा मानना है कि एक्चुअली में लहर तो एंटी इनकम्बेंसी की चल रही है, लेकिन विपक्ष इतना ज्यादा धराशायी है कि उसमें मोदी के नाम पर राम राम भजते हुए, पोलराइजेशन के नाम पर, मोदी के नाम पर किसी तरीके से एनडीए का बेड़ा पार हो रहा है, और अंक गणित जो है ये बीज गणित पे भारी। दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू के सामने बहुत बड़ा संकट ये रहेगा कि टर्नआउट घटेगा तो उनको दिक्कत होगी, टर्नआउट नहीं घटने देना उनको, अपने वोटर्स को कम से कम निकाल के, कितनी भी नाराजगी उनको ये बोलना है कि भाई वोट डालो, चाहे मोदी के नाम पर वोट डालो लेकिन वोट डालो। तो ये टर्नआउट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखेगा। तीसरा एक फाइनल एंगल एक ये भी है, अभी भी देखिए वहां पे अलायंस पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरीके से चिराग पासवान बुरी तरह से हमला बोले हैं नीतीश कुमार के ऊपर, ये हमसे छुपा नहीं है। आरएलएसपी जो है यूपीए से बाहर निकलने के लिए तैयार बैठा है, यूपीए ने लेफ्ट पार्टीज को निमंत्रण दे रखा है कि भाई आप आ जाइए, लेकिन वो सीटों के तालमेल पे भी नहीं हो पा रहा। तो ये अभी दूसरी तरफ जीतनराम मांझी यूपीए से निकल आए हैं, एनडीए में चले गए, लेकिन अभी सीटों के ऊपर उनका भी बात नहीं हुई। फाइनल अंक गणित इस पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ कि भाई आखिर में कौन कहां फाइनली सेटल होता है,
और कितना ज्यादा सीटों के बंटवारे को लेकर के आपस में जिसे कहते हैं ना सिर्फ फुटअव्वल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो एबीपी न्यूज के और सी वोटर्स के सर्वे में साफ हो गया एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। 141 से 161 सीटें बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से बनती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार एक बार फिर से लगातार पांचवी बार इस गद्दी पर, मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पिछले बार की तुलना में यानी कि 2010 के तुलना में इस बार ज्यादा बहुमत लेकर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यूपीए को भी पिछले बार की तुलना में फायदा होता दिख रहा है और 64 से 84 सीटें मिल रही हैं उसको। लेकिन उसके बावजूद यहां पर एकदम स्थिति साफ है कि एनडीए एक बार फिर से बड़ी लहर के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।